प्लीज गो अहेड। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे दो सवाल हैं। जी तो वो प्राइवेट ऑपरेटर्स जब ट्रेन रन करेंगे तो एक ये आशंकाएं हैं कि जो ट्रेन की यात्रा है वो महंगी हो जाएगी। यूरोप में कई देशों में ये फॉर्मूला अपनाया गया है जिससे कि, लेकिन वहां पर ट्रेन की यात्रा करना महंगा है, हालांकि हमने काम चलाया है प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ। तो एक ये आशंका है लोगों के मन में कि किराया बढ़ जाएगा और कंसेशन जो एक ये होता है या दूसरी चीजें जो होती हैं वो उसमें यात्रा करना महंगा होगा। दूसरा एक ये है कि दूसरा मेरा सवाल है कि जो यात्रियों की सुरक्षा है, जो सेफ्टी है, जब प्राइवेट ऑपरेटर्स ये करेंगे तो उसको रेलवे कैसे डील करेगा। जी, आपके दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं और मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जो मैंने कहा कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, और हमने एक LHB टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी बहुत पहले, और अभी एक वंदे भारत की टेक्नोलॉजी 2019 में हमने इंट्रोड्यूस की है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाली 5% ट्रेन जो है वो भी एडिशनल इस प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएगी। सो बेसिकली ये है कि 95% ट्रेन हम भारतीय रेल चलाती रहेगी। जो 95% ट्रेन भारतीय रेल चलाती रहेगी उसमें भी हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारी अपनी फैक्ट्रीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज बनाएं, और जो हमारी 95% ट्रेन हम चला रहे हैं उसमें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज आए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं आपको जो प्राइस के बारे में आपने बताया कि जो 95% ट्रेनें चलेंगी वो भारतीय रेल चलाएगी, और उसका जो भी टिकट है और यात्री किराया है वो भारतीय रेल फिक्स करेगी। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 95% लोगों के लिए एक एडिशनल फैसिलिटी, अच्छे कोचेज, और जो एक डेफिसिट है जो उसमें पैसेंजर की रिक्वायरमेंट में और जो प्रोवाइड कर पा रहे थे, जो लोग आपको पता है कि कैसे ट्रेनों में लोग लटक के जाते हैं, क्रैम्प होके जाते हैं, उससे निजात मिलेगी उन लोगों को, उसी पैसे पे मिलेगा। तो जो भी कॉमन मैन या जो अगर गरीबों की बात होती है तो इस प्रोजेक्ट में मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा गरीबों को फायदा होने वाला है। गरीबों को कैसे फायदा होने वाला है, गरीबों को उसी कीमत पे जो ट्रेन है, कोई कीमत नहीं, तो भारतीय रेल अपनी ट्रेन चला रही है 95%, उसका किराया भी सेम रहेगा, उसी कीमत पे एक अच्छी सुविधा मिलेगी, और उनको बिना वेटिंग लिस्ट किए हुए, बिना क्रैम्प हुए एक रिजर्व कंपार्टमेंट मिलेगा, उसमें मिलेगा। अब बात आती है जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर का, जो कि आपने कहा कि उसका किराया बढ़ जाएगा, उसके बारे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आजकल कंपटीशन का जमाना है, और आपने देखा होगा कि जो IRCTC ने भी ट्रेन चलाई थी, जो पैसेंजर का किराया है वो जो तय करते हैं, जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर जो भी तय करेंगे, उनको जो उसी सेगमेंट में एरोप्लेन का किराया है और उसी सेगमेंट में एयर कंडीशन बस का किराया है, उन दोनों से समन्वय बना के ही अपना किराया लेके वो फिक्स कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर के जो किराया होंगे वो बहुत ज्यादा कोई करके ट्रेन अपनी चला पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली अगर उसको इकोनॉमिक वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी रखनी है तो उसको जो किराया है उस सेक्टर में जो दूसरे मोड है जो उसके साथ तारतम्य बना के रखना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर का भी किराया बढ़ेगा। और मैं फिर आपसे ये रिपीट करना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय रेल की जो ट्रेनें चलेंगी उनका किराया तो भारतीय रेल ही फिक्स करेगी, तो उनका तो किराया बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और जो दूसरी बात यह है कि जो भारतीय रेल ट्रेनें चलाएंगी उसमें भी हम सुविधा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इसमें हमको एक मौका मिलेगा कि उसकी भी जो टेक्नोलॉजी है इम्प्रूव हो पाए, क्योंकि ये कोचेज अल्टीमेटली फिर इंडिया में और जो हमारे फैक्ट्रीज हैं वो बनाने लगेंगी, तो उससे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव होगा, सेफ्टी में इम्प्रूव होगा, स्पीड में इम्प्रूव होगा। और तीसरी चीज, वही मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमारी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में जो एक पैसेंजर डिमांड की फोरकास्टिंग है, कहीं ना कहीं हमको एडवांस प्लानिंग करके कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हमारे जितने भी यात्री हैं वो एक रिजर्व कंपार्टमेंट में एक अच्छी जर्नी करें,
ना कि जो इस समय होता है कि क्रैम्प्ड कंडीशन में जाते हैं और उनको कितनी दिक्कत होती है और वेटिंग लिस्ट भी नहीं मिलता है। जहां तक सुरक्षा और सेफ्टी की बात है, वो आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया और ये मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया आपको कि सुरक्षा और संरक्षा दोनों पे भारतीय रेलवे नजर रखेगी और इसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर आएगा वो हमने ऑलरेडी उसको ट्रैक एक्सेस चार्जेज में बिल्ट इन कर रखा है। धन्यवाद। अनु शर्मा, सीएनबीसी टीवी 18। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माय क्वेश्चन इज बाय व्हेन कैन वी सी, यू हैव ऑलरेडी आंसर दैट क्वेश्चन दैट वी विल बी एबल टू सी फर्स्ट सच ट्रेन ऑपरेटिंग इन April 2023, but what sort of impact do you anticipate due to the ongoing COVID-19 situation, and what is the expected annual revenue for railways by allowing these private entities to run 151 modern trains? Thank you. Okay, thank you so much. As I mentioned, our target is that first trains will start running in April 23. And basically the bidding process which we have initiated, the timeline is such that we should be able to open the tenders sometime in February, March, finalize sometime in April, and then we will be able to invite request for proposal. So that is the timeline, and that is why we are expecting that trains will start running in April 23. Now, as far as you mentioned about this ongoing COVID-19 situation, yes. There is an issue. It's a pandemic, global pandemic, and that is the reason why we delayed our RFQ for some time. But now we analyzed that economic activities are gradually opening up, and that's why we decided that we should go for these bids. Now, since we are expecting first train to run in April 23. We have enough time, and our estimation is that by that time this COVID-19 situation will stabilize, and I don't see any adverse impact on this COVID-19 situation. The next question you ask about the revenue, I clarified in my presentation also that bids have been designed in such a way that railway will be able to recover its cost. That is the minimum guaranteed cost the private rail operator will have to pay to us. We have calculated our track access charges per kilometer. We have expenditure which is incurred on drivers, guards, safety certification and things like that. And then this is a bidding parameter that these companies, they will have to offer that what revenue share they are going to give. So actually, what revenue railway is going to get, that will be only known once the bids are finalized. But the main point which I would like to just mention here, as you all may be aware, that right now we are making loss in the passenger segment operation, and basically we cross subsidize with the freight segment operation. Now in this particular project, what we have devised, that at least railway is not going to lose anything, because ultimately the minimum cost which private train operator is going to pay, that will be able to meet the expenditure of railway, and whatever revenue we get over and above, that will be profit for the railway. So the point which I'm trying to make, that while Indian Railway is making loss in the passenger segment, under this project railway will not make any loss. At the best, railway will be able to recover, but we are expecting that railway will be getting some percentage of share of the gross revenue of the private train operator, and that is the bidding parameter. Whoever will offer the highest revenue share, he will win the contract. Deepali Nanda, CNBC Awaaz. Hello sir, namaste. Namaste Deepali. मेरे दो से तीन सवाल हैं। एक तो ये कि जो प्राइवेट कंपनीज की परफॉर्मेंस होगी, उसे रिव्यू करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए क्या कोई रेगुलेटर भी बनाया जाएगा? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हुई थी, कौन सी कंपनियां हैं या किस सेगमेंट या किस सेक्टर की कंपनियां हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, अगर आप कुछ नाम बता सके? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो गलवान इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद
ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में से चाइनीज कंपनीज को बाहर किया जा रहा है, तो क्या अगर इस प्रोजेक्ट के लिए कोई चीनी कंपनी बोली लगाती है तो क्या उसकी पार्टिसिपेशन को कंसीडर किया जाएगा या नहीं? थैंक यू सो मच। आपका जो पहला क्वेश्चन है परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए, बिल्कुल एक मैकेनिज्म तय किया जाएगा जिसमें कि इनकी परफॉर्मेंस हम मॉनिटर कर पाए, और इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑलरेडी आरएफक्यू डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड है और आरएफपी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किए जाएंगे। एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आरएफक्यू डॉक्यूमेंट में जो भी कंडीशंस इंक्लूड किए गए हैं वो बेसिकली एक इंडिकेटिव है, और इसमें प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगा एक बार, और उस प्री बिड कॉन्फ्रेंस में बेसिकली इस डॉक्यूमेंट के कंडीशन को देखने के बाद जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो प्री बिड कॉन्फ्रेंस में आएंगे, और जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस हम करेंगे जो कि जिसकी की डेट आरएफक्यू डॉक्यूमेंट में दी हुई है, उस प्री बिड कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली हमको पता चलेगा कि कौन लोग इंटरेस्टेड हैं, और उनके प्री बिड कॉन्फ्रेंस से जो भी उनकी कुछ सजेशंस आएंगे और कुछ कमेंट्स आएंगे उसको इनकॉर्पोरेट करके आरएफक्यू डॉक्यूमेंट को हम फाइन ट्यून करेंगे, और आरएफक्यू डॉक्यूमेंट में ये मेंशन लिखा हुआ है किया हुआ है कि उनके बेसिस पे हम इसका एक फाइनल आरएफक्यू डॉक्यूमेंट इशू करेंगे और उसके बाद से हम बिड्स लेंगे। तो अभी हम स्टेक होल्डर्स और कंपनी का नाम देना इस समय प्री मेच्योर होगा, बट अगले 15 से 20 दिन में जब प्री बिड कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उस पर एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि पिछले 6 महीने में जितने भी स्टेक होल्डर्स हमने मीटिंग की है उसमें डिफरेंट मीटिंग्स में डिफरेंट स्टेक होल्डर आते रहे हैं, तो वो नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन प्री बिड कॉन्फ्रेंस करेंगे 15-20 दिन के बाद तो उसमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन लोग आएंगे। जहां तक चाइनीज कंपनी का सवाल है, मैंने बताया कि एक DPIIT की मेक इन इंडिया पॉलिसी की गाइडलाइन है, और वो समय समय पे जो भी उनकी गाइडलाइन होगी बिल्कुल उसी गाइडलाइन के तहत ये प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज शरद पांडे, दैनिक भास्कर। गुड आफ्टरनून शरद जी। हेलो सर, नमस्कार। गुड आफ्टरनून शरद जी, प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार। सर मैं शुरू से बैठ रही हूँ, तो मैं प्रेजेंटेशन नहीं देख पाया सर। एक मेरा सवाल ये था। हेलो जी, सर ये आ रहा है को जो काम था वो पिछले लगभग 6 महीने चल रहा था। मैंने पहले आवाज कट रही है आपकी, थोड़ा माइक पास आने वाला है सर, जबकि ये तो सरकार के हंड्रेड डेज के एजेंडे में था सर। इससे शरद जी आपकी आवाज कट रही है, मैं आपका सवाल पूछ लेता हूँ। आपका सवाल मेरे पास है सर, इनका सवाल है कि आरएफक्यू का काम पिछले 6 माह से चल रहा था तो उसे निकालने में समय इतना समय क्यों लगा? प्राइवेट सर आवाज आ रही है। हाँ शरद जी, मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं? शरद जी आप सुन पा रहे हैं, मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ शरद जी आप सुनिए, मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ। आरएफक्यू पर काम पिछले 6 माह से चल रहा था तो इसे निकालने में इतना समय क्यों लगा? प्राइवेट ट्रेन तो सरकार के 100 दिन के एजेंडे में थी, इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी, इसे अवार्ड होने में इतना समय लगेगा। दूसरा प्रश्न यह है, जैसे पहले यह निर्णय लिया गया था कि निधि ट्रेनों में आधे घंटे के गैप में रेलवे की ट्रेन चलेगी, उससे पहले नहीं, लेकिन फिर इस गैप को 1 घंटे के करने की बात हुई थी, फाइनल निजी और रेलवे की ट्रेनों में कितना गैप रखा जाएगा? थैंक यू शरद जी। जो 100 दिन का एजेंडा था, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो 100 दिन के एजेंडा में ये था कि आरएफक्यू डॉक्यूमेंट फाइनल किया जाएगा, आरएफक्यू इनवाइट करने की बात सुन रहा हूं। जो अगर आप सुनिए शरद जी सुनिए, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं कि जो 100 दिन का एजेंडा था वो 100 दिन के एजेंडा में आरएफक्यू डॉक्यूमेंट फाइनल करने की बात की गई थी, आरएफक्यू इन्वाइट करने की बात नहीं थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक इसकी ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी की कमेटी बनाई गई थी, और ये जो आरएफक्यू डॉक्यूमेंट हमने बनाया है इसमें हमने स्टेक होल्डर से कई मीटिंग की है, और हम लोगों का ये प्रयास ये था कि जो भी हम आरएफक्यू डॉक्यूमेंट लेके आए
उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स के सजेशंस हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। जब भी कोई काम पहली बार करते हैं, भारत में ये पहली बार प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आए हैं और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें और हम जो भी ज्यादा जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको हम बिल्कुल बिना रिजर्वेशन, मतलब सबको रिजर्वेशन दे के, बिना वेटिंग लिस्ट के हम ट्रेनें दे पाए, उस ऑब्जेक्टिव के साथ लेके आए हैं। तो एक तो स्टेक होल्डर से हमने डिस्कशन काफी की, कम से कम 5-6 मीटिंग की, और दूसरी चीज ये है कि इसकी पूरी एनालिसिस हमने की, एक कंसल्टेंट लगा के काफी इसकी डिटेल स्टडी करी कि कौन से रूट्स लेने चाहिए जहां पे कि हमारी अनमेट डिमांड है। तो इसमें कुछ समय लगा, कुछ हमें कोविड की वजह से थोड़ा इसको डिले करना पड़ा था। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आरएफपी डॉक्यूमेंट हमारा मार्च में फाइनल हो गया था और थोड़ा सा हमने कोविड की जो स्थिति बनी थी उसमें इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया था। जहां तक आपने आधे घंटे गैप और एक घंटे गैप की बात करी, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक मैक्रो पिक्चर देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग इस साल बिल्कुल एक नया टाइम टेबल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे काफी दिनों से काम चल रहा था और ओरिजिनली हम इसको जुलाई में लेके आने वाले थे, लेकिन चूंकि कोविड की स्थिति बन गई और एक ये वैश्विक महामारी आ गई तो इसको अभी जुलाई में नहीं लेके आएंगे। जैसे भी ये कोविड की स्थिति संभलती है तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, बट इसमें हम एक बिल्कुल नया टाइम टेबल बना रहे हैं और उसमें हमारी कोशिश यही होगी कि जो भी हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं वो अपने एक अलग कॉरिडोर में चलें, जो हमारी फ्रेट ट्रेन्स हैं उनके लिए एक अलग कॉरिडोर हो, जो हमारे मेंटेनेंस हमको करना होता है बिकॉज संरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में जो भारतीय रेल ने प्रयास किया उसकी वजह से संरक्षा में काफी इम्प्रूव हुआ। पिछले साल एक ऐसा ऐतिहासिक साल आया कि जिसमें हमको एक भी फेटेलिटी नहीं हुई, पूरे पूरे साल में कंसिक्वेंशियल एक्सीडेंट से कोई फेटेलिटी नहीं हुई। तो जो आपका ये आधे घंटे का और एक घंटे का गैप का है वो थोड़ा प्री मेच्योर है। हम एक बिल्कुल नया टाइम टेबल बना रहे हैं जिसमें कि बेसिकली हमारा प्रयास ये होगा कि जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है उनके जो ट्रेवल टाइम है ओरिजिनेटिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन में, उसमें हम काफी सुधार लेके आए और साथ ही साथ जो फ्रेट ट्रेन की स्पीड है उसको भी हम काफी बढ़ाने वाले हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारा इन कुछ दिनों में फ्रेट ट्रेन की स्पीड काफी पहले से बढ़ी हुई है। तो हमने एक लक्ष्य ये रखा है कि फ्रेट ट्रेन की भी एवरेज स्पीड बढ़ाएंगे और अपनी जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है उनकी भी एवरेज स्पीड बढ़ाएंगे। तो जो एक नया टाइम टेबल हम बनाने जा रहे हैं उसमें ये जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स की ट्रेन है ये कोई अलग से ट्रेन नहीं है, ये बेसिकली एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। जैसे भी बाकी भारतीय रेल की मेल एक्सप्रेस ट्रेन होगी वैसे ही ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन है बेसिकली। और प्रयास खाली ये है कि जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर हैं ये अपने जो इनको रूट हम दे रहे हैं वो रूट ऐसा दिया हुआ है कि जहां भारतीय रेल अपनी ट्रेनें चला रही थी और फिर भी हम वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, तो ये एक एडिशनल ट्रेन हमने उस रूट पे चलाने का प्लानिंग किया हुआ है। तो ये एक घंटे आधे घंटे गैप वाला अभी प्री मेच्योर है और जब भी हम इस तरह की टाइम टेबल बनाएंगे तो हमारा केवल ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो भी हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं और जो भी हमारी फ्रेट ट्रेन्स हैं उन सबको हम एक इस तरह से उसका रेशनलाइजेशन करें कि सबकी स्पीड बढ़े, फ्रेट की भी बढ़े और पैसेंजर की भी बढ़े। और उसका तरीका यही होता है क्योंकि एक ही समय पे अगर कोई ट्रेन बहुत तेज गति से चल रही है और फ्रेट ट्रेन धीमी गति से चल रही है तो उसमें समय लग जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जब मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलें तो एक के बाद एक मेल एक्सप्रेस ट्रेनें निकल जाए और उसके बाद से एक कोई ऐसा समय समय इंटरवल टाइम इंटरवल निर्धारित हो इसमें खाली फ्रेट ट्रेनें चलें तो वो खाली फ्रेट ट्रेनें निकलें। तो एक ये रेलवे इस समय बहुत बड़ा प्रयास कर रही है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी सुधारने के लिए। और इसमें बस एक चीज और ऐड कर दूं आपको कि रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS हमने इम्प्लीमेंट किया है, करीब 50% लोकोज में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया और इस वित्तीय वर्ष में पूरा 100% हो जाएगा। उससे क्या होगा कि सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा सारी ट्रेनों का, तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आधे घंटे और एक घंटे का गैप का उतना कोई रिलीवेंस रह नहीं जाएगा।
थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट इज शाइन जैकब बिजनेस स्टैंडर्ड। हेलो सर जी, नमस्कार शाइन जैकब जी। नमस्कार सर। यू मेंशन्ड अबाउट trains between Mumbai, Delhi and Delhi, Kolkata. So you mentioned that it is you have achieved 130 kmbh now. My question is, sir, if you are going for private trains, that will have to go at a maximum speed of 160 km per hour. Do you think that equipped for that, because you need the tracks to be improved, you need the track sidings to be, there should be boundary walls also. Plus, if the average speed between Delhi Bombay and Delhi Kolkata kmph now, will Mark, can you achieve that 160 kmph in the next 2 years time? That's one question, sir. Plus one thing you have, Deepali has already asked, own interest. So is there any, can you name a couple of companies at least who were there in the interest, that those meetings that you have called for from the interested stakeholders? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Let me explain about this speed potential. It is a fact that most of our tracks are fit for 110 km per hour. And some sections are fit for 130 km per hour, and only one section is fit for 160 km per hour as of now. As I explained to you during my presentation, that basically we are going to increase the speed potential of some of the important routes to 130 km per hour in first phase. Delhi, Mumbai, we have already completed 130 km, and rest of the golden quadrilateral and diagonal we will be completing in this financial year. So by end of this financial year, all the golden quadrilaterals and golden diagonals, they will be fit for 130 km per hour. Now Delhi Mumbai and Delhi Kolkata, we have already sanctioned work for enhancing the speed up to 160 km per hour. We have started the work, and in next 3 years we will be able to complete this work. So by end of 2023, New Delhi Mumbai and New Delhi Kolkata should be fit for 160 km per hour, and then gradually we will be taking another segments of golden quadrilateral and golden diagonal, which carries around 60% of traffic, for upgrading to. Now the age means these coaches, their lifespan is around 35 years, and that is the reason this concession period has been kept 35 years. So you can just visualize that next 5 to 10 years, most of our route will be converted into 160 km per hour. And since the life span of these coaches will be 35 years, so therefore it is very prudent, and that is the reason we have taken a decision that all these coaches will be fit for 160 km per hour. But that is correct, what you mentioned, that these trains will be able to run as per the potential of the track of that particular section. So if the section is fit for 110 km per hour, the train will run at 110. When these sections will be upgraded to 130, train will run at 130. And whenever these tracks are upgraded to 160 km per hour, they will be running on 160 km per hour. Regarding the name of the companies, we had 5-6 meetings with the stakeholders, and in different meetings, large number of companies participated, and I do not want to, indicate few names. It will not be good on my part. But as I mentioned to you, in next 15-20 days, when we will be having a pre-bid conference based on this RFQ document, that will be the correct indicator of the interest of the stakeholders. And certainly, once we hold the
pre bid conference, we will be giving all the names of these companies, because it will be prudent on our part to provide all the names of participants who are providing in pre bid conference, rather than giving few names out of large number of companies who have attended so many stakeholder meetings. Thank you. Okay, sir. One supplementary question, sir. Just yeah, one thing. Please go ahead. Sir, you mentioned about the upgradation that you have planned. So, what is our estimated investment that is required for upgradation? 160 kmph. Already the New Delhi, Mumbai, New Delhi, Kolkata work is sanctioned. And it is to the range of around 15,000 crore, New Delhi, Mumbai and New Delhi, Kolkata. Already the work is sanctioned, yeah. The work is in progress. So it is to the order of around 15,000 crore. Okay, thank you, Shine. Thank you. Milan Sharma, Aaj Tak. We'll have... Yes, Milan. Can you hear me? सर मेरा एक छोटा सा सवाल है. पहला तो ये जो कंपनीज है जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट एक्सप्रेस भी किया है, किस तरीके का आपको फीडबैक इनकी तरफ से मिला है? और दूसरा सवाल ये है कि ऑपोजिशन इस वक्त कह रही है कि रेलवेज की प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी तरीके के जॉब कंसर्न्स देखे जा रहे हैं और बेसिकली ट्रेन्स को महंगा होते हुए देखा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहला जो क्वेश्चन है आपको, मैं बताना चाहता हूं कि जो भी सजेशंस आए थे उस सजेशन के बेसिस पे ये आरएफक्यू डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है. तो हमने कोशिश करी है कि जो भी सजेशंस हैं उसको इनकॉर्पोरेट करें, और प्री बिड कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सजेशंस आएंगे उसके बेसिस पे वो करेंगे. जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, मैं फिर से बताता हूँ कि ये जो हम ट्रेनें चला रहे हैं, एक तो जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर के थ्रू चलाने का प्लानिंग किया हुआ है, जो खाली 5% है, दैट इज नंबर वन. दूसरा ये है कि जितनी ट्रेनें चल रही हैं उनके ये अलावा है, इन एडिशन है. तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि 8.4 बिलियन पैसेंजर 2019 में थे और 2030 में 13 बिलियन पैसेंजर होने वाले हैं. तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये 151 ट्रेन चलाने के बाद भी रेलवे को और ज्यादा ट्रेनें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तब जाके हम 13 बिलियन पैसेंजर्स को जर्नी प्रोवाइड कर पाएंगे. तो जहां तक रेलवे की जॉब का सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में रेलवे के जॉब बढ़ने ही वाले हैं. ये जो 5% ट्रेनें हैं ये तो बिल्कुल इन एडिशन है, और वो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए, और इसमें जो जो हमने पिछले 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ट्रेन चलाने की कैपेसिटी बढ़ाई है, उसको यूज करके हम लोगों को बिना वेटिंग लिस्ट के सबको जो है हम लेके जा पाए. तो ये है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जो हमारे रेलवे का, जहां तक जॉब का सवाल है, रेलवे के जॉब बढ़ने वाले हैं. इसलिए बढ़ने वाले हैं कि जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने एक लक्ष्य रखा हुआ है कि जो हमारी पैसेंजर फोरकास्ट है उसको हम फुली मीट विथ करें, तो ये जो 151 ट्रेनें चलाने के बाद भी आने वाले 3-4 सालों में जो भारतीय रेल अभी ट्रेनें चला रही हैं उसमें भी नंबर बढ़ेंगे. तो जॉब तो रेलवे के बढ़ने वाले हैं, दैट इज नंबर वन. नंबर टू, कोई भी किसी का किराया अगर कुछ बढ़ने वाला है या घटने वाला है, जो भी है, मतलब ये जो पैसेंजर ट्रेन होगी इनके फेयर चूंकि फ्लेक्सिबल होंगे, तो हो सकता है कि किसी समय में इनको पैसेंजर फेयर थोड़ा बढ़ा भी लें, किसी समय में अगर इनको वॉल्यूम चाहिए तो पैसेंजर फेयर घटाना भी पड़ेगा. जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे कि एयर फेयर में होता है कि कभी आपका किराया बिल्कुल नीचे आ जाता है, कभी किराया नीचे बढ़ जाता है. बट जो भी होगा ये खाली 5% ट्रेनों में होगा, बाकी जो 95% ट्रेनें हैं उनका तो किराया रेलवे ही फिक्स करेगी और रेलवे ही चलाएगी. तो जो कॉमन मैन है उनको ज्यादा सुविधा मिलने वाली है, ज्यादा ट्रेनें मिलने वाली है, और उनका कोई किराया नहीं बढ़ने वाला है. तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक जो एक दो बातें कही जा रही हैं वो उसका कोई बेसिस नहीं है कि रेलवे के जॉब कम हो जाएंगे. मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे के जॉब बढ़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम एक्सपेंशन कर रहे हैं. दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि गरीबों को दिक्कत होगी, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कॉमन मैन है उनको और सुविधा मिलने वाली है, और जो उसका कॉमन मैन की जो ट्रेन है उसको ज्यादा से ज्यादा रेलवे चला पाएगी और ज्यादा.
और उसका जो भी किराया है रेलवे फिक्स करेगी, और जो कॉमन मैन है उनको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी सुविधा और ज्यादा ट्रेनें मिलेंगी। वेरी वेल समराइज सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, द मीडिया वी आर नॉट पार्ट ऑफ नेशनल मीडिया, सो वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट सर, सो लास्ट टू क्वेश्चंस वी विल टेक। सो आई रिक्वेस्ट जर्नलिस्ट टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डोंट आस्क द रिपीटेड क्वेश्चंस, न्यू फ्रेश क्वेश्चंस इफ एनीवन हैज प्लीज कॉल। यस मैं आज थोड़ा आप लोगों से माफी चाहूंगा, दो दो क्वेश्चन लेके मुझे जाना पड़ेगा, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इस पे एक और प्रेस ब्रीफिंग कर मेरा सवाल ले लीजिएगा, बात करिए जल्दी से। रविकांत बोलिए जी। सर मेरा क्वेश्चन है, एक सुनिए जी। हेलो जी, बताएं बताएं। हेलो बताइए, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है। न्यू टाइम टेबल जी, न्यू private trains will feature in this new time table. My question is that 151 trains, will it feature new time table, upcoming new time table? Will this 151 train will feature in this new time table? That is my question, sir. Okay. ऐसा है कि ये जो नई ट्रेनें, ये भी भारतीय रेल की ट्रेनें हैं, भारतीय रेल ही इसको ऑपरेट करेगी, ड्राइवर हमारे होंगे, गार्ड हमारे होंगे और हमारे स्टेशन मास्टर इसको चलाएंगे और हमारे ही सिस्टम पे चलेगी, तो बिल्कुल ये नए टाइम टेबल का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। चेयरमैन सर, मेरा सवाल ये है जी। हेलो, हाँ विनोद जी, बताइए जी। हाँ, 2023 में हम निजी ट्रेनों को लेकर आ रहे हैं, तब तक हमारे पास बुलेट ट्रेन भी होंगी, वंदे भारत की 44 रैक भी नहीं आ जाएंगी, और ऑन डिमांड जो है आपका रिजर्वेशन भी बढ़ेगा और पैसेंजर भी बढ़ेंगे, ऐसे में क्या रेलवे की कुछ प्लानिंग है कि 2 से 3 साल के अंदर वो कितनी ट्रेनें लेके आएगा अपने एंड पे, अगर प्राइवेट ट्रेन की बात छोड़ दी जाए तो? देखिए, मैंने आपको फोरकास्ट बताया और हम बिल्कुल इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या पैसेंजर की फोरकास्ट होगी और कितनी ट्रेनें आएंगी, वो सब इस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या पैसेंजर की फोरकास्ट है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप कर लिया है, और उसकी एक पूरी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, और केवल अगले 2-3 साल की नहीं, हम कम से कम 10 साल की प्लानिंग करके चल रहे हैं और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर रहे हैं, उसी के हिसाब से रोलिंग स्टॉक अपना डेवलप कर रहे हैं। और अगले 2-3 सालों में मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि ये जो 150 ट्रेनें प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर के थ्रू आ रही हैं, उसके अलावा भारतीय रेल अपने पैसेंजर सेगमेंट के सारे डिमांड को एसेस करते हुए और भी एडिशनल ट्रेन लाएगी। थैंक यू। वो डिमांड एंड सप्लाई का जो आंकड़ा है वो तब भी बना रहेगा मेरे ख्याल से? देखिए, डिमांड और सप्लाई का आंकड़ा जो 70 साल से जो गैप चल रहा है उसको 2-4 सालों में तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है, जिस तरह से हम पिछले 5-6 सालों से काम कर रहे हैं कि अगले आने वाले कुछ दिनों में डिमांड सप्लाई का गैप को भरा जाए। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस। लास्ट क्वेश्चन एक व्यक्ति को ही, एक लास्ट क्वेश्चन जी पूछिए। आखिरी सवाल, जो वंदे भारत एक्सप्रेस हम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने चलाया उसका फीडबैक अच्छा आया, 44 और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने जाने की बात हो रही है, तो वो कब तक मतलब स्टार्ट करने की योजना है आप लोगों की और किस तरीके से करेंगे? क्या वो भी पूरी तरीके से प्राइवेट होंगी? नहीं, वो प्राइवेट नहीं होंगी। वो ट्रेनें मैंने आपको बताया कि 10 जुलाई को उसका बिड्स खुल रहा है, उसके बिड्स मई में खुलने थे, कोविड की वजह से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने हमको एक रिक्वेस्ट किया था और इसलिए हमको बिड एक्सटेंड करनी पड़ी थी, कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसको हम जल्दी से जल्दी फाइनल करेंगे और वो भारतीय रेल चलाएगी उन ट्रेन को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, एंड दिस थैंक यू सो मच। प्लीज सर हैज टू गो फॉर मीटिंग, आई वुड थैंक यू पर्सनली। 300 पीपल आर राइट नाउ कनेक्टेड इन दिस वेब पीसी एंड इट्स अ ग्रैंड सक्सेस। We will come back. I'll request Chairman Sell to come back again on this forum and interact with you. Thank you, all of you. I assure you, I'll come back again. But only today, I have a meeting, very important meeting at 5 o'clock. So I'll have to leave. I'm so sorry. But certainly on this issue, I'll come back again. Because I know that you may be having a lot of queries. And first time it is happening in the country. So as you are excited, we are also excited. And basically, I just want to reassure everyone
that the objective of this project is to introduce modern technology and see that, you know, this modern technology is available to all the common people. And the objective is to bridge the gap between demand and supply. And I can tell you, there will be no impact on the common man. If there will be any impact, that will be in positive side, in the way that everyone will get a better train service, the travel time will be reduced, the fare certainly, Indian Railway, whatever fixes the fare, that will be the fare, so common man is not going to get impacted. And very really we are looking for to develop the infrastructure and develop these rolling stock in such a way that demand supply gap, which has been there for last 70 years, that we should be able to bridge as early as possible. That is our effort. And just to achieve that objective, we have gone ahead with this project. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.